अब मैं आपका स्टार्ट करती हूँ। जो हमारे चार सिंबल्स, जो हमारे बाद के, हमने जो चार सिंबल्स नेक्स्ट क्लास लास्ट क्लास में हमने जो पहले चार सिंबल्स किए थे वो मैं आपको करा देती हूँ। ओके, नो प्रॉब्लम, आप कर सकती हैं। ये जितने भी हमारे मैग्निफाइड हीलिंग, जैसे हमने पहले भी आपको बताया है कि मदर क्वाइनम जी ने इसको बुद्ध को दिया था, ठीक है, और बुद्ध से आने आगे जो गौतम बुद्ध जी ने उन अपने अनुयायियों को सिखाया और फिर उसके माध्यम से ये विद्या धीरे धीरे आ रही है। अभी भी अगर आप लोग वहां पर जाते हैं, अभी भी वहां पर इसके द्वारा लोगों के ट्रीटमेंट्स किए जाते हैं इन सभी सिंबल्स के द्वारा, ठीक है। तो ये हमारे बहुत ही प्राचीन सिंबल्स हैं, बहुत पुराने सिंबल्स हैं जो डायरेक्ट उन्होंने दिए थे मदर क्वाइनेम ने गौतम बुद्ध जी को, और गौतम बुद्ध जी के माध्यम से उनके अनुयायियों को, और धीरे धीरे करके अब ये हम लोगों तक पहुंचे, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा प्राचीन है, ठीक है। तो इसके अंदर सिर्फ यही सारी चीजें बताई गई हैं कि ये मदर क्वाइनेम को ध्यान के माध्यम से, जब वो ध्यान पे बैठी थी तो ध्यान के माध्यम से उनको ये सारे चिन्ह मिले थे। मदर क्वाइनेम है, आपको मालूम है वो एक उनको क्या है ना, वो चाइनीज चाइनीज गॉडेस है और चाइना के अंदर उनकी बहुत पूजा की जाती है। उनके बड़े बड़े मंदिर हैं चाइना के अंदर, इंडिया में अभी इतना नहीं है लेकिन चाइना में उनका बहुत ज्यादा मानते हैं लोग और बहुत उनकी पूजा पाठ होती है। इंडिया में भी धीरे धीरे ये सब चीजें आगे बढ़ती जा रही है। तो उन्होंने ये 45 सिंबल्स का पूरा एक कोर्स बनाया जो आज हम आपको यहाँ पे सिखाने जा रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर जो शुरू के दो सिंबल्स हैं, फर्स्ट सिंबल है हमारा लोटस एंड सेकंड सिंबल है हमारा कर्मा कर्मा वर्ण। ये हमारा है कर्मा वर्ण सिंबल एंड दिस इज लोटस, ठीक है। ये जो दो सिंबल्स होते हैं ये हम हमेशा जब भी शक्तिपात देते हैं, नॉर्मली तो देखो शक्तिपात देने का जो तरीका है वो वही है जो हम लोग ग्रैंड मास्टरशिप में सीखते हैं, या आप लोगों ने जो भी कोई और मोडालिटी सीखी होंगी उसके अकॉर्डिंगली आपने आपको वो तरीके सिखाए गए होंगे कि किस तरीके से आपने शक्तिपात दे। हम लोगों ने यहाँ पे रेकी करा है और मैं बेसिकली हम लोग रेकी सिखाते हैं। मैं तो रेकी जो जो लोगों ने भी यहाँ पे ग्रैंड मास्टर शिप में रेकी सीखी है तो वो उसके तरीके से अटूनमेंट्स दे सकते हैं। लेकिन अगर आपने रेकी को नहीं भी किया है या आपने कोई और मोडालिटी, हालांकि ये हम ग्रैंड मास्टर शिप को ही देते हैं और किसी को हम ये सिखाते भी नहीं है, या फिर मास्टर्स आप कर सकते हैं लेकिन बेटर है कि अगर आप ग्रैंड मास्टर हैं, ठीक है, तो भी आप इन सिंबल्स को अटूनमेंट कैसे देंगे वो मैं आपको सारा प्रोसेस बता दूँ। एंड ऑफ द, जब हमारी क्लासेस खत्म होंगी, जब हमारे सारे सिंबल्स कवर हो जाएंगे उसके बाद मैं आपको बता दूँ, ठीक है। सिंपल तरीके से भी आपको अटूनमेंट कैसे देना है और जिस मोडालिटी को आपने सीखा है उस मोडालिटी के तरह भी आपने कैसे अटूनमेंट देना है ये सारा आपको उसमें बता दिया जाए। फर्स्ट सिंबल जो है वो लोटस सिंबल है, सेकंड सिंबल जो है वो कर्मा बर्नर है। अटूनमेंट के दौरान हम ये दो सिंबल्स को जरूर इस्तेमाल करते हैं, इनफैक्ट हर एक हीलिंग के अंदर हम ये दो सिंबल्स को यूज करते हैं, ठीक है। देखिए लोटस सिंबल, जैसे पहले आप देख लीजिए किस तरीके से बनाना है, जिस तरीके से कमल का फूल होता है उसी तरीके से लोटस सिंबल बनाया, सिंपल लोटस सिंबल। सिंपल जैसे हमारा कमल का फूल होता है उसी तरीके से ये हमारे इस तरीके से तीन लीव्स हैं और ये नीचे की लीव्स हैं तीन, वो दो, और ये इस तरीके से उनकी स्टेम है। अच्छा, ये जरूरी नहीं होता है कि जिस तरीके से आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया है आपने ऐसे ही बनाना है। जैसे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन कैसे दिए आपको, ये इस तरीके से 1, फिर ये 2, फिर ये 3, एंड देन दिस इज 4, एंड देन दिस इज 5, एंड देन दिस इज 6, एंड देन दिस इज 7। जरूरी नहीं कि जिस तरीके से यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन में दिया गया है आपको वैसे ही बनाना है, आप किसी भी तरीके से इस सिंबल को बना सकते हैं, बस सिंबल इस तरीके से ही बने, ठीक है। आप किसी भी तरीके से इसको ड्रॉ करके बना सकते हैं। ये सिंबल यूज करते हैं,
मैसेज आ रही है। कहाँ जाते हैं मैम मीन्स, कहाँ जाते हैं मैम मीन्स, वो मैम आपने बोला था कि आप यदि वहां जाएं तो आपको दिखेगा कि वो सिंबल यूज करते हैं, अच्छा तो वो वहां जहां पर इनका ये बुद्धिज्म का होता है ना, ये तिब्बत, जी मतलब चाइना, चाइना हाँ और तिब्बत, तिब्बत। तिब्बत, ओके ओके तिब्बत। अच्छा चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहला जो हमारा सिंबल है ये है हमारा लोटस सिंबल। लोटस सिंबल को हम यूज करते हैं हार्ट चक्र के ऊपर। इसको अपने हाथों में बना के हम इसको हार्ट चक्र बनाते हैं। अगर आप हाथों पे ना भी बनाए, आप सीधा हार्ट चक्र पे बनाकर भी इसकी हीलिंग करते हैं। हाथों पे हम जैसे सिंबल अपने चौकर सिंबल यूज करते हैं, या फिर आप इनको सीधा हाथ पे बना के और हार्ट चक्र पे बनाकर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये सिंबल हमारे को ये सिखाता है, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि कमल का फूल किस तरीके से होता है ना। कमल का फूल कीचड़ में उगता है, लेकिन कीचड़ में उगने के बाद भी वो भगवान को चढ़ाया जाता है, ठीक है ना। उसको एक बहुत ही पवित्र फूल माना गया है। तो उसी तरीके से ये सिंबल भी बहुत ही पवित्र है। ये सिंबल आपको आपके अंदर प्रेम की भावना को जगाता है। प्रेम की भावना के साथ साथ में इस सिंबल आपको, कहते हैं ना कि संसार में रहकर भी आप संसार से अलग हो जाते हैं, इस तरीके की भावना, मतलब मोक्ष की प्राप्ति इस सिंबल के माध्यम से आपको। मोक्ष को प्राप्त करने के लिए क्या होता है, नॉर्मली लोग क्या करते हैं ना, घर परिवार सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, वो ठीक है, क्योंकि घर परिवार सब कुछ हर एक जगह की अपनी एक महानता होती है, वो करना भी पड़ता है एक समय के बाद। लेकिन अगर आप लोग एक संसार के अंदर रहते हैं, गृहस्थ जीवन के अंदर रह रहे हैं, और गृहस्थ जीवन में रहते हुए आप उस परमात्मा के साथ अपने आप को जोड़ते हैं, तो कई बार बहुत सारी चीजें हमें रुकावट बन के हमारे सामने आती हैं, जिसके कारण ना तो हम ग्रस्त में रह पाते हैं और ना ही हम ईश्वर के उसमें जा पाते। तो उन चीजों को बैलेंस करने के लिए हम इस सिंबल से अपनी हीलिंग करते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ में आई ये बात आपको। चीजों को बैलेंस करने के लिए हम इस सिंबल से अपनी हीलिंग करते हैं। ये सिंबल हमारे को डायरेक्ट क्वाइनन जी का आशीर्वाद प्रदान करता है। जब हम किसी का अटेंडमेंट करते हैं तो हम ये सिंबल को यूज करते ही हैं। ठीक है, इस सिंबल के माध्यम से हम लोग, ये नहीं है कि हम लोग संसार को छोड़ देते हैं, संसार में रहकर ही हम उस परमात्मा को पाते हैं। जैसा कि आपने हमेशा सुना होगा कहीं पे इस तरीके की, जब प्रवचन हो रहे होते हैं तो ये सिखाया जाता है ना कि व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व को एक कमल के फूल के समान रखना चाहिए, संसार में रह के संसार से अलग होकर रहना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आपने संसार छोड़ दिया है, आप संसार के अंदर ही हैं। आप संसार के अंदर रहते हुए सारे कर्म, जो भी आपके काम है रोजमर्रा के, वो करते हुए आप उस परमात्मा के साथ अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये सिंबल आपको उस मुकाम पर लेके जाता है, और जब आप उस धर्म के रास्ते पे चलते हैं और संसार में रहते हैं, तो जो भी आपकी चीजें रुकावट बनकर आती हैं, जिसके कारण आप कई बार इम्बैलेंस हो जाते हैं जीवन के अंदर, और कई बार बहुत सारे ऐसी चीजें आती हैं, लोगों को लगता है कि हम जितनी ज्यादा पूजा पाठ कर रहे हैं हमारे जीवन में उतने ही दुख आ रहे हैं, उतनी ही तकलीफें आ रही हैं, उतने ही कष्ट आ रहे हैं, तो वो उन चीजों से अपने आप को दूर करना शुरू हो जा रहे हैं। तो वहां पर आप, ऐसा कोई व्यक्ति अगर आपके सामने आता है या आपको खुद को ऐसा महसूस होता है, तो आप इस सिंबल से अपनी हीलिंग कर सकते हैं, अपने हार्ट चक्रा की हीलिंग कर सकते हैं। मदर क्वाइन इनको इन्वोक कर सकते हैं, वो आपकी पूरी मदद करेंगी, पूरी हेल्प करेंगी इस भंवर से आपको बाहर निकालने की। मदर क्वाइन इन बेसिकली वो एक इंसान थी, और एक इंसान होकर उन्होंने बहुत भगवान की पूजा पाठ करी, बहुत मोक्ष जब उनको मिलने जा रहा था तो उन्होंने मोक्ष नहीं लिया। उन्होंने उनको लोगों के रोने की आवाज आई, जिसके कारण वो रुक गई। तो ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि वो आज भी है, और जब भी आप उनको पुकारते हैं वो तुरंत आपके पास आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि हम जैसे एंजल्स
हम लोग जैसे उनको जानते हैं, उसी तरीके से मदर क्वाइनिन। लेकिन मदर क्वाइनिन एक जन्म लेकर आई थी, एक मनुष्य जीवन में उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। तो उनकी जो सोल है वो हर जगह पर पहुंचती है, जब भी किसी को उनकी जरूरत होती है, जब भी कोई व्यक्ति उनको बुलाता है, उनको पुकारता है, वो वहां पर आती है। ठीक है। Thank you.